Hey guys, welcome back to my channel. Today I am going to create a party look which is very helpful for you, especially in night party. I create this look in very easy way. I hope you will like this video. और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे लाइक बटन को भी प्रेस करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए पावर बूस्टर का काम करता है। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ प्लम का सी बकथ्रॉन ऑयल, और इससे ऑयल को मैं अपने फेस पे बहुत अच्छी तरह से लगा लूँगी और इससे मेरा फेस बहुत अच्छा मॉइस्चराइज हो जाएगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आई मेकअप से। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ अपनी मिस करके पेंसिल, लेकिन वो पेंसिल का कलर मेरे लिए थोड़ा सा रेडिश में है, इसलिए मैं अपनी आई शेडो पैलेट में से ही कलर लेके उसको फिल कर रही हूँ। और आईब्रो को अच्छे से फिल करने के बाद अब मैं इसको क्लीन करने के लिए यूज़ करूँगी अपना ओरिफ्लेम का कंसीलर, और आईब्रो के कॉर्नर्स पे लगा के इसको और मैं अपने कंसीलर ब्रश से इसको अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। और आईब्रो आपके एक मेकअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मुझे अभी लग रहा है कि मेरे आईब्रोज अच्छे से सेट नहीं हुए क्योंकि मेरा आईब्रो प्रोडक्ट टूट गया था और लॉकडाउन की वजह से मैं दोबारा उसको ऑर्डर भी नहीं कर सकती, और प्लीज़ ये थोड़ा सा मेरा इग्नोर कर देना। और गाइस, अब इसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। और आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप है जो कंसीलर से मैं अपनी आईज़ को अच्छी तरह से कंसील कर दूँगी ताकि कोई भी पिगमेंट हो तो वो हाइड हो जाए। और अब इसको मैं उसके बाद इसको सेट करने के बाद अच्छे से ये मैं अपने मेबलिन फिट मी ब्रश के साथ इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। और उसको सेट करने के बाद अब मैं इस पर अपना केक पाउडर से इसको कंसीलर को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी ताकि इस पर कोई क्रीज लाइंस ना आए और मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। और ये स्टेप फॉलो करके आपके आई शेडोज़ भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होते हैं आपके आईज़ पे। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का 9 आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं अपना ट्रांजिशन शेड के लिए लाइट ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। और गाइस, मैंने ये सेलो टेप जो स्टेप फॉलो किया वो आप ज़रूर फॉलो करें, ये बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है और इससे आपकी बहुत परफेक्ट शेप बनती है। और गाइस, इसमें अपनी मैं क्रीज लाइंस पे अपना ट्रांजिशन शेड कर रही हूँ ब्लेंड बहुत लाइट। सबसे पहले हम लाइट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं अब सेकेंड लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ उसे। आपको आई शेडो के शेडो लगाते टाइम आपको एक चीज़ याद ज़रूर रखनी चाहिए कि आपको हमेशा अपने लाइट कलर से ही स्टार्ट करना चाहिए। जब आप अपना आई शेडो को लाइट कलर से स्टार्ट करते हैं और आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं तो आपके आई शेडोज़ बिल्कुल भी पैची नहीं लगते, और आप जितना हो सके इसके लाइट हाथों से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें अपने आई शेडोज़ को। मैं अपनी सेकंड शेड को भी अच्छी तरह से अपने आईज़ पे ब्लेंड कर रही हूँ, और अब टर्न है मेरी थर्ड शेड की। इसमें थोड़ा सा मैं अपर डार्क कलर लूँगी और इसको अपने आईज़ पे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। इसमें आप देख रहे हैं कि मैं कोई क्रीज़ पे नहीं, मैं फुल क्रीज़ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा सा एक शेड मिल रहा है अपनी आईज़ पे और मुझे ऐसा ही शेड चाहिए था। और गाइस, ये स्वीट्स ब्यूटी का आई शेडो 9 कलर आई शेडो पैलेट बहुत ही कमाल का पैलेट है, ये आपकी ट्रांजिशन शेड्स के लिए बहुत ही अच्छा पैलेट है और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। और मैं इसका लिंक भी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले दूँगी, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी थर्ड डार्क शेड को भी अपने आईज़ पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और अब अपने कॉर्नर्स पे थोड़े से और डार्क शेड से अपने कॉर्नर्स को फिल कर रही हूँ। परफेक्ट आई शेडो लुक क्रिएट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अपने आई शेडोज़ को ब्लेंड करना होगा। जितनी परफेक्टली आप अपने आई शेडो को ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा और आपका आई मेकअप बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा। और अब नेक्स्ट स्टेप, अब मैं अपने कंसीलर को लेकर अपने आईलिड्स पे हल्का हल्का सा लगाऊंगी। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं इस पर गोल्डन आई शेडो इस पर अप्लाई करूँगी तो वो निचले आई शेडो के साथ मिक्स नहीं होगा और बहुत ही उबर कर सामने आएगा। और अब मैं अपने इसी आई शेडो में से गोल्डन शेड लेकर अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी, और गाइस आप देख सकते हैं कि मेरी आईज़ पे गोल्डन कलर साफ नज़र आ रहा है। अगर ये कंसीलर का स्टेप मैं ना अप्लाई करती तो शायद ये मेरे निचले आई शेडो के साथ मिक्स हो जाता। और ये स्विस ब्यूटी का बहुत ही अच्छा पैलेट है और बहुत ही अफोर्डेबल साइट पर है। मैंने गोल्डन एक्स शेडो को अपने दोनों आईलिड्स पे लगा लिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो अपने मेकअप को आप इसी पे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने आई शेडो को और ज़्यादा ग्लिटरी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो। ये बहुत ही अच्छे शिमरी आई शेडोज़ हैं, और गाइस इनका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छे आई शेडोज़ हैं। मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको अपने आईलिड्स पे लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरी आईज़ पे कितना अच्छा इफेक्ट आया है इससे।
ये आई शेडो 6-7 शेड्स में आते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी शेड चूज़ कर सकते हैं। मेरी जो शेड है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। अब मैं इसको ब्लेंड, दोनों को ब्लेंड करने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे आई शेडोज़ बिल्कुल भी अलग अलग ना लगे। और आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद और ये एकदम सिमिलर लग रहे हैं। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिक्विड आई लाइनर का, ये लैक्मी का आई लाइनर, और इसके लिए साथ में एक छोटा सा विंग ड्रॉ करूँगी। आपने देखा कि आप मेरे स्टेप फॉलो करके कितनी आसानी से एक शिमरी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने इस ट्यूटोरियल में कोई भी मिरर का यूज़ नहीं किया और अपने कैमरे में ही अपना मेकअप किया, इसलिए मेरा फेस मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। और प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिए। अपनी मैं लोअर लैश लाइन पर यूज़ कर रही हूँ अपने मेबलिन का जेल आई लाइनर, इससे मैं अपना काजल को ड्रॉ करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पर। मैंने अपने काजल को अपनी दोनों आईज पर अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और अब टर्न है मेरे नेक्स्ट स्टेप की। इसमें मैं अपनी आई शेडो पैलेट में से वही कलर लूँगी जो मैंने ऊपर अप्लाई किया है और उसको मैं अपने नीचे काजल के नीचे उसको अप्लाई करूँगी, जिस तरह से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसको मैं अपने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी जिससे ये बहुत अच्छी तरह से स्मज हो जाएगा। और ये स्टेप अपनी आपकी आईज़ को एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। और इसके साथ ही ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप हो चुका है कंप्लीट और अब टर्न है मेरे मस्कारा की। इसको मैं अपने आई लैशेज पर अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास फॉल्स आई लैशेज है तो वो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरी आई लैशेज ख़राब हो चुकी हैं और लॉकडाउन की वजह से मैं उसको ऑर्डर भी नहीं कर सकती। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपकी आईज़ बहुत ही अच्छी लगेंगी। और अब टर्न है मेरे फेस मेकअप की और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लॉरियल का फाउंडेशन। और मैं अपने सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपने फेस पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ये फाउंडेशन थोड़ा सा ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, बट जब ये फेस पे अच्छी तरह से सेट हो जाती है तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। अपने फेस प्रोडक्ट को अपने नेक एरिया पर भी ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपका सब इवन टोन में आ जाए। मेरी फाउंडेशन हो गई है मेरे फेस पे सेट और अब टर्न है कंटूरिंग की। ये कंटूरिंग स्टिक है और ये किस ब्यूटी की, गाइस मैं इसका लिंक आपको नहीं दे सकती बिकॉज ये मैंने लॉकर मार्केट से खरीदी। इससे मैं अपने चिक्स पे, नोज पे और फोरहेड पे कंटूरिंग करूँगी और अपने ब्लेंडी ब्रश की हेल्प से मैं इस अच्छे से अपने फेस पे इसको ब्लेंड कर लूँगी। कंटूर करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा फेस थोड़ा शार्प लुक में आ जाएगा। मैं इसको अपने फेस पे बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पे कुछ भी पैची ना लगे। और अब मैंने अपने फेस पे इसको कर लिया अच्छी तरह से ब्लेंड और अब टर्न है मेरी नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने फेस को ब्राइटनिंग करने के लिए यूज़ करूँगी अपना कंसीलर और इसको मैं सिर्फ यूज़ करूँगी अपने टी जोन एरिया पे ताकि मेरा फेस थोड़ा ब्राइट इफेक्ट में आ जाए। और मैं यहाँ यूज़ कर रही अपना ऑरिफ्लेम का द एवर लास्टिंग कंसीलर और अब मैं इसको अपने कंसीलर ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ अपना लिप कलर, ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का इंक मैट कलर और इसमें मेरी शेड है सीकर और ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। और इस लिपस्टिक की स्टेइंग पावर कमाल की है, 15-16 आवर तक ये आपके लिप्स पर आराम से टिकी रह सकती है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लश और ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रिएटर फ्लश, इसमें मेरा शेड है आफ्टर ग्लो। और अब है मेरा नेक्स्ट स्टेप और मेरा फेवरेट स्टेप हाइलाइटर, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का हाइलाइटर और इसमें मेरा शेड है 01 और इस हाइलाइटर में एक बहुत ही अच्छी गोल्डन शीन है और ये बिल्कुल भी पाउडरी या शिमरी नहीं है, ये नाइट टाइम के लिए परफेक्ट हाइलाइटर है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मिनी नेचुरल मेकअप फिक्सर, इसका मैंने पिछली वीडियो पे अपना फुल रिव्यू दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता